मैं डेली ब्लॉगिंग चालू करूँ या नहीं करूँ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जस्ट आई वोक अप, ही वोक अप मी, ही इज माय नेफ्यू मयूरेश, मयूरेश ही इज माय नेफ्यू मयूरेश। एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के दो। तो आज संडे, तो जिम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इसकी वजह से मैं आज लेट उठा हूँ। तो मैं सुबह ही 6 बजे उठता हूँ, तो आज ही मुझे लेट हुआ उठने को। एंड छोटे छोटे बाल मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रहे हैं, क्योंकि गाइस फर्स्ट टाइम ही छोटे बाल किए थे इतने, मतलब फर्स्ट टाइम ही गंजा हुआ था, तो बहुत अभी ज़्यादा बकवास लग रहा है। तो अभी गणपति भी आ रहे हैं, तो गणपति के एक दो दिन पहले जाके बाल कटा के आते साइड से। एंड मयूरेश अभी बाहर बारिश के मजे ले रहे हैं। गाइस जो बोल रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है एंड पीछे थोड़ा काम चालू है, चले तो नॉइस आ रही थोड़ी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली भूख लगी, तो अभी जाते हैं कुछ तो खाने के लिए, तो कुछ खाने के लिए बना दे। और सो गाइस वी आर हियर नाउ, तो कुछ खाने से पहले ब्रश कर लेते हैं। तो आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूँ ब्रश कैसे किया जाए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो एक यूट्यूबर है, देखो डेंटल कुछ तो नाम है उसका, डॉक्टर डेंटल या कुछ तो नाम है उसका, ऐसे कुछ नाम है। तो टूथब्रश और टूथपेस्ट के ऊपर वीडियो बनाता रहता है, उसकी स्टार्टिंग है फ्रैंक ग्लैब एंड ब्रश करते टाइम बिफोर रिजल्ट एंड आफ्टर रिजल्ट। तो हम भी वैसे करते, हमारे पास डिस्कोजिंग टैबलेट नहीं है, तो फिश ऑयल की टैबलेट यूज करते। तो हमारे पास डिस्कोजिंग टैबलेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो पहले से हमारे दांत रात भर डिस्कोज हो जाते हैं। और सो गाइस अभी फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ एंड अभी मैं ओट्स बनाने वाला हूँ मेरे लिए, तो चलते किचन में। सो गाइस किचन में आ चुके एंड वेलकम टू निक्स किचन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चाय पी लो। ये क्या हो रहा है, हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। अरे मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। मुझे वेट गेन करना है बहुत दिनों से, मगर मेरा डाइट ही फॉलो नहीं हो रहा है गाइस। सो वेट करते गैस को ऑन। एंड गाइस ये सबसे बेस्ट काम है इलेक्ट्रिक गैस, अपना गैस वेस्ट नहीं जाता कुछ भी नहीं, मस्त सिर्फ बटन दबाओ एंड जो बनाना है वो बनाओ। और इस पे आप कितना भी हाथ रखो गर्म ही नहीं होगा, बिकॉज इसके साथ सिर्फ स्टील ही रिएक्ट करता है, आप कितना भी हाथ रखो कुछ भी नहीं होगा। ऑन, आपने ऑन करके भी हाथ रखा तो भी कुछ नहीं होगा, अभी मैंने ऑन किया देखो। सो गाइस अभी निकलते हैं हमारे बर्तन बाहर। तो अभी हमने बर्तन ले लिया, अभी लेते हैं ओट्स बर्तन में, इसमें ऐड करते हैं हम ओट्स, कुछ 40 ग्राम लेने पड़ते, मगर मैं उसका मेजरमेंट नहीं करता हूँ कितने कितने खाने कितने नहीं खाने। तो इसमें अभी मिल्क ऐड करते हैं। ओट्स में शक्कर भी डालता हूँ, बिकॉज बिना शक्कर के मुझे ओट्स बकवास लगते हैं। तो इसको रखते हैं गैस पे, ऑन कर दे हमारा गैस, क्या है अभी स्पीड पूरी बढ़ा दे दे, जल्दी होना चाहिए। सो गाइस जो ओट्स तैयार होने लग गए देखो। तो गाइस मयूरेश और मुझ में बेट लगी किसके बाइसेप्स बड़े, तो पहले मैं मेरे दिखाऊंगा फिर मयूरेश उसके दिखाएगा। तो यहाँ पे गाइस मेरे छोटे छोटे बाइसेप्स एंड अभी मयूरेश के बाइसेप्स देखो गाइस, ऑफ कोर्स मयूरेश के ही बड़े, क्या बाइसेप्स है गाइस, फुल जीरो फैट, 16 के बाइसेप्स है ना, 16 के बाइसेप्स है ना मेरे। सो गाइस ओट्स आर रेडी, तो अभी इसको सर्व कर दे। तो ओट्स अभी रेडी हो चुके हैं, तो इसमें थोड़े काजू बादाम ऐड कर दे एंड मैं बनाना भी डालता हूँ ओट्स में, मगर आज बनाना नहीं है,
तो आज नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं डालता हूँ हर बार। काजू डाल के हो चुके, अभी बादाम डाल दे। आमंड से कैलोरी मिलती है ज़्यादा, मगर आमंड से भी ज़्यादा हमारे जो पीनट्स रहते हैं उसमें कैलोरी रहती है। एंड गाइस आप में और क्या हेल्दी चीज ऐड करने वाला हूँ, जो कि है देसी घी। इस घी को मेरे मौसी ने बनाया, मेरी मौसी गांव में रहती है तो उसके पास गाय भैंस है, उसने मेरे को बना के भेजा था देसी घी। तो इसको भी अभी इसमें ऐड कर दे, अभी इसको इसमें ऐड कर दे। एंड गाइस अगर आप गेन कर रहे हो तो आपको दिन में 1-2 चम्मच घी पीना चाहिए। मैंने 1 चम्मच घी पिया बिकॉज मैंने इसमें भी डाला है 1-2 चम्मच, तो इसको रख देते हैं अभी अंदर। सो गाइस आवर ओट्स आर रेडी फॉर इट, तो अभी उसको खाता हूँ एंड नहा धो के आपको मिलता हूँ। 2 hours later तो गाइस मैं रेडी होके आ चुका हूँ। एंड मुझे आपसे एक बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बिकॉज मुझे बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि भाई डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो। और डेली व्लॉगिंग का और एक फायदा होता है कि हमारा वॉच टाइम बढ़ता है। मैं भी डेली व्लॉगिंग के बारे में सोच रहा था, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट करो कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो या नहीं करो, क्योंकि गाइज अभी मेरे लिए वॉच टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग गाइज आज घर पे ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा कैमरा एंड कैमरे की लेंस साफ किए जाए, तो हम इसके मदद से आज हमारा कैमरा साफ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा DSLR, यहाँ पे उसकी 18.55 की लेंस, यहाँ पे 55-250 की लेंस एंड हमारा 2-4K। तो मेरे यूज़ के वजह से इन पे डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। इस पे इतनी डस्ट नहीं बिकॉज इसको मैं कभी कभार बाहर निकलता हूँ। सो गाइस क्लीनिंग हो चुकी है सब कुछ एंड देखो डस्ट कितनी थी उसके ऊपर। तो अभी इसकी क्लीनिंग हो चुकी है एंड अब जाते हैं हमारी RC लेके। एंड अभी हम करने वाले कुछ अलग एक्सपेरिमेंट इस मयूरेश की RC कार के साथ। सो गाइस हियर इज द RC कार। तो आज हम इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले, इसको लगाने वाले हम हमारा 4K एक्शन कैमरा। गाइस मैं अभी RC कार लेके आया था एंड सीन ऐसा हो चुका है कि कार की बैटरी में चार्जिंग ही नहीं है, तो अभी मैंने उसको चार्जिंग को लगाया तो उसकी बैटरी चार्ज होने में बहुत समय लगता है, तो हमारा एक्शन कैमरा किसी और गाड़ी को अटैच करते हैं। सो चलो चलते हैं। कैमरे के साथ मुझे होल्डर भी मिला था, तो इसे कैमरा ऊपर लगा देते। गाइस कैमरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। सो गाइस चलते हैं, देखते हैं वीडियो कैसा आ रहा है टेम्पो से। तो गाइस हमारी राइड हो चुकी है एंड देखते हैं अभी वीडियो कैसा आया ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ आपको पूछना था कि मैं डेली व्लॉगिंग चालू करूँ या नहीं करूँ। आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑफ दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।